अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे से होंगे। दोस्तों मेरा नाम हकीम शालम, मेरे चैनल शिफा दवाखाना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे माजून फलासफा के बारे में, जानेंगे माजून फलासफा किन किन बीमारियों में इस्तेमाल की जाती है, इसके इस्तेमाल का सही तरीका, और साथ ही जानेंगे माजून फलासफा के इन्ग्रीडियंट्स के बारे में। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों ये हमदर्द कंपनी का माजून फलासफा है। माजून फलासफा को यूनानी सभी कंपनियां बनाती हैं। दोस्तों बात करें अगर इसकी कीमत की तो दोस्तों 70 रुपये इसकी कीमत है। ये वजन में 150 ग्राम है। दोस्तों बात करें अगर माजून फलासफा के इंग्रेडिएंट्स की, जड़ी बूटियों की, तो दोस्तों इसमें जंजबील, फिलफिलसिया, पीपल कला, दारचीनी, आंवला, बलेला, खुशियतुस्सालब, शतरज हिंदी, जरावन मधरज, चिलगोजा, बीख बाबूना, मुनक्का, मगज नरजील, तुखम बाबूना, शहद, इन सभी जड़ी बूटियों के मिश्रण से माजून फलासफा तैयार किया जाता है। दोस्तों माजून फलासफा तासीर में गर्म होता है। दोस्तों बात करें अगर माजून फलासफा के फायदे की, तो दोस्तों माजून फलासफा गुर्दे मसाने को ताकत देता है, सोते समय बिस्तर पर पेशाब निकलने को रोकता है, पेशाब की ज्यादती को दूर करता है, पुट्ठो को ताकत देता है, कब्ज को दूर करता है, मुंह की बदबू को खत्म करता है, चेहरे का रंग निखारता है, वीर्य की काउंटिंग को बढ़ाता है, गठिया और कमर दर्द को दूर करता है, भूख बढ़ाता है, आसाब को ताकत देता है, खाने को हजम करता है, पेशाब में कतरा जाने को रोकता है। दोस्तों परहेज, तली भुनी तेज मसालों की चीजों का परहेज करें, रात का खाना जल्दी खाएं। तरीका इस्तेमाल, बच्चों को 3 ग्राम से 5 ग्राम तक दूध या पानी से सुबह शाम खाली पेट इस्तेमाल कराएं, और बड़ों को 8 से 10 ग्राम यानी आधा आधा चम्मच सुबह शाम खाली पेट दूध या पानी के साथ इस्तेमाल कराएं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो दोस्तों मिलते हैं कैसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।